दोस्तों, राम राम सारे जो सारे पहले। दोस्तों, पिछली वीडियो चाहे ओ मला पड़े हैं, एक ब्याह करना सॉल्व किरचौपला। तो किरचौपला क्या चीज़ है? किरचौपला भी सही चीज़ यार, ओ मला पढ़ी लिया था, किरचौपला भी पढ़ी ले तो बीच भी बोल्ड जने करंट दा फंडा, नीच भी बोल्ड जने करंट दा फंडा। ओ मला चेड़ा हुआ मतलब कि क्लोज सर्किट हुआ, बिल्कुल सिंपल सर्किट। तो किरचौपला जी थोड़ा जटिल टाइप दा हुआ, बीच कई रस्ते हुए, एक पुट्ठा हूँ एक सीधा, कई रास्ते हुए यार, खज्जड़ हो जाए करंट भी वोल्टेज भी, मैं कुछ नहीं जाऊँ, बस ये फंडा जी है और कोई ज़्यादा फंडा नहीं है। यहाँ सर पढ़ना आज, यहाँ पहले है पढ़ दे करंट, करंट ला, करंट ला के चीज़ है, करंट ला तो सही चीज़ यार। वो तीन मंडी लिया कोई जंग से ना हुआ, ये थी दो या तीन रस्ते मिलिया है यहाँ आए तो ये सड़क करे कटने दिखे रहने, कोई बोर्ड लगी रहो यहाँ पे जंक्शन है, जंक्शन नहीं मतलब सड़क तीन या दो, दो या तीन से ज्यादा सड़कें मिली हैं यहाँ इन्हें, है जंक्शन हो गया, ज्यादा फंडा नहीं चाहिए। करंट लॉ सिंपल, सिर्फ सिंपल समझो, मैं सारते पहले यहाँ इसलिए डेफिनेशन कही नहीं, करंट लॉ डेफिनेशन कही, डायग्राम पेड़नी इसको समझना कि क्या चीज़ है करंट लॉ, क्या चीज़ है, बिल्कुल देसी भाषा समझना, कोई थ्योरेटिकल नहीं समझना, बिल्कुल देसी लैंग्वेज क्या चीज़ है, मैं तुम्हें देसी लैंग्वेज समझाना करंट लॉ क्या चीज़ है। दोस्तों ए है तू हुंडा करंट ला, सॉरी मेरा करंट ला, करंट ला क्यों आए चा, बोले कोई भी विद्युत सर्किट आ, क्लोज सर्किट आ, टीचर किसी भी बिंदु बिंदु पर या जंक्शन, जंक्शन दस से जंक्शन ए वहाँ ए, चार सड़कें एक पॉइंट पे मिलती हैं, मतलब 21 सड़कों जाने वास्ते तीन रास्ते अग्गे हैं। एक सड़क आई मीरपुर से आई अच्छा वादी भी, तो वादी भी जाने वास्ते चार रास्ते, सही हिसाब है जंक्शन, सही हिसाब, और कोई ज़्यादा फंडा नहीं है। बिंदु या जंक्शन रोड पर की मिलने वाली धाराओं का बीज गुणा योग जीरो थे, इतनी जो है ना योग है जीरो वहाँ, करंट का योग जीरो वहाँ, मतलब साइंटिफिक रख रहना, रख रहना याद है जीरो ने, प्रैक्टिकल सोचना अपने दिमाग में सोचना ऐसा भी हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग समझो कि मतलब कोई पेड़ आ, तना जी है तीसरा जंक्शन, डाक जी है ना डाक, बिंदु मान लिया जड़ है जी तीसरी, इनकमिंग करंट ही आने वाला करंट आ, जो टहनी है फैली थी ऊपर जाने ना जाने वाला करंट आ, बस सिंपल तरीके ना वही बात है, देख लो इनकमिंग करंट पॉजिटिव, ए भी इनकमिंग आई, ए आई टू पॉजिटिव, फिर आई वन भी पॉजिटिव है, आई फाइव पॉजिटिव, ये तो हूं जी आ पॉजिटिव आउट गोइंग करंट जी नेगेटिव आ, इन है ये तो हूं करंट ला, मैं इनकमिंग करंट जो होना तो होता है पॉजिटिव होना या आउट गोइंग करंट जो होना से नेगेटिव होना, मतलब इनकमिंग कॉल जो होनी ना होती पॉजिटिव होनी नहीं, आउट गोइंग कॉल जो होनी से नेगेटिव होनी, तो वो है आपका किरचॉफ, किरचॉफ द करंट ला, करंट ला आए याद रखना, न्यूमेरिकली भी इसी टाइप दा कोई सर्किट देंगे ना तुम्हें पेड़ एक सर्किट होना टीचर इसरी वैल्यू होने आई फाइव दी आई टू दी, तो इन दोनों डिफाइंड कर लेंगे बस, और ज़्यादा फंडा नहीं है ना करंट लॉ पूछ लेना, और ज़्यादा फंडा नहीं चाहिए यार, ने प्रैक्टिकली या अपने दिमाग में सोचना कि हम अपनी डेली लाइफ में काली काली दिखें इन चीज़ें, तो पेड़ दिख लेना कोई चीज़ ऐसी दिख लेनी कि मतलब जिसकी एक रास्ता हो, मतलब जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो ना, आने के लिए चार रास्ते हो बस, वही है तू किरचॉफ लॉ सॉल्व, करंट लॉ सॉल्व हुई है डेफिनेशन का, तू यूट्यूब पर तो बथेरे चैनल है यार, यूट्यूब पर बड़े बड़े चैनल, इंटरनेट पर मिली आना, किताब पर मिली आना, पर थ्योरेटिकल मत सोचा, प्रैक्टिकली सोचो क्या हो सकता है, पुनः पढ़ना वोल्टेज ला। दोस्तों मैं आज वीडियो पहाड़ी च बना देने 10 दिन ना तू जो केड़ी लगा दी खरी लगी बुरी लगी सह पूरा कमेंट दसी ना मंजो, मैं तो इं बनाया करगा कताब बजे तो यही मिलना आने वाला करंट जाने वाला करंट, ज्यादा फंडा नहीं है होना दोस्तों, ऊना पढ़ना वोल्टेज ला, वोल्टेज ला क्यों, एक मैसला, मैसला क्या जाला, मैं जाली लिखी लेनी है मैसला हो गया जाली, जाली लिखी थी मैसल बोले इंडिया से जाली, जाला टाइप, तो पहले है डेफिनेशन पढ़ लें वोल्टेज ला दी, डेफिनेशन क्या है बोले किसी भी बंद डीसी लूप, डीसी लूप में डीसी सर्किट, लूप क्या हुआ सर्किट, लूप क्लोज लूप सर्किट हो गया, मैं विद्युत वाहक बल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का
बीज गणित युग उस सर्किट के प्रतिरोधकों के सिरों पर यार दिख लो ना, सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज के, जो वोल्टेज उत्पन्न जो होती ना क्रिएट के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। जो थी वोल्टेज उत्पन्न जो होनी ना तीसरे बीज गणितीय योग के बराबर होता है। ये है तुम्हारा मैसला, मैसला इस तो बोले ये जा रही तुम जा रही, लेकिन एक रास्ता था जा रही करंट यहाँ से ज्यादा है यहाँ से ज्यादा, फिर थी कंफ्यूज हो गई कि हम कुछ जाऊँ, तो डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया नहीं गया, ये थी डिसिपेट हुई पावर ता आधा करंट ता चली गया, इतको भी देता ये भी नाराज नहीं करना ना तू भी नाराज नहीं करना ना ता डिवाइड हो गया। ये है तुम्हारा वोल्टेज ला, नहीं मैं ये टंकी पानी रिकॉर्ड कर दी गाँव पाइपा को ला लाई दी, तो इस रिकॉर्डिंग समझा मान लिया पानी की टंकी ऊपर ना पाइप आई हेठी है खोली थी पाइप अगें तो एक एक कनेक्शन तां जो देते एक कनेक्शन तां जो देते एक कनेक्शन तां जो देते, तो पानी के इक्की पास जाना चौवे पास फैलना ना हम एक्सपैंड होना ना, तो सही हिसाब है इतनी भी इन्नी पानी आया ताकि इस मतलब 20 रस्ते मिली है, तो इस 20 रस्ते च पानी जाने जाना, मैं तिन्नी पाइप लाइन गेरी होनी तिन्नी तिन्नी पाइप पानी जाना जाना, तो सही इतनी करंट ला दा मतलब वोल्टेज ला दा हिसाब किताब आ, इतनी तीसो रास्ता मिलना शॉर्टकट रास्ता मिलना इतनी चली जाना तीस, बस वो आपका बोल्ट चला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखना, तो ये लिखा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मतलब ये रखनी याद, मतलब प्रतिरोध परिपथ के प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज होनी ना यदि वोल्टेज के बराबर होना, ये है तुम्हारा वोल्टेज ला। वोल्टेज ला क्वेश्चन पूछा मैं तुम्हें क्या वोल्टेज ला एसी गा से एप्लीकेबल आ कि डीसी गा से एप्लीकेबल, ये मैं डीसी सर्किट पढ़ रहा ना डी सर्किट है, तो क्या एसी गास भी एप्लीकेबल है? हाँ एसी गास भी एप्लीकेबल है तुम्हारा किरचॉफ ला से, हाँ बी अकॉर्डिंग टू डायग्राम समझना, तो समझा मैं तुम इसको पहले साफ कर लिया हैं दोस्तों, 10 दिनों के लिए यकीन दो मेरी स्किल, क्योंकि अपनी स्किल नहीं बाहू ठीक सीधी गल, मैं कमेंट करने दसी ना खरी बुरी लगी था ता, क्या क्वेश्चन आ बोलिया क्या एसी गास एप्लीकेबल आ तुंदा कि चौपला ने कुती मतलब कर सके यूज एसी, अरे यार वो दस्ते था मतलब डिवाइड करना करंट को डिवाइड करना, मन ही ने चला तूने घर सामने एक खंबा है पोल आ ये है ना चार तारा जा रही आर बाई ने बी रेड येलो ब्लू मतलब तीन फेस एक न्यूट्रल या अर्थ मन लिया अर्थ थी, ये तू ना घर है इतनी ये तू ना घर ये तू फिर है आहा घर रहना सारे पसंद कर रहे हैं नौकरी, पहले ये देखो ता क्या दस्या तू जो मैं तीन तारा जा दी तो तू अपने घरों से बुला लेनी, तो तू ये तारा चकनी सीधी देनी नहीं मैं तीनों तारा अपने घरों देनी सीधी गाइड करनी कि केडा वड्डा ग्राम आ कितने टोल हो कि ग्राम च 20-25 टोल तो वही हुए 20-25 क्या मतलब 50-60 तो वही हुए हाँ इतने सही ला लगना के चौपला मतलब इतने चक्की इतने मारे टोकन मारे ने ये दे दी इतने इतने न्यूट्रल ले लिया बस सही साहब इस मेरी है करंट ये भूखा ने मारो ने तो मैं भूखे ने मारना ने इस दे दी तू तो भी सुखी है ने ये भी सुखी है अद्धे ग्राम जो इतने दे दी बाकी बाकी टोलों जो जो भी परिवार आ तीनों इतने दे दी इन बस डिवाइड हुई सही तू के चौपला प्रैक्टिकल समझा थ्योरी नहीं है मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखा सह नहीं यार क्योंकि तू मैं तुम्हें दस था बड़े बड़े चैनल मिलना लखों चैनल मिल जाने तुम्हें यूट्यूब पर इंटरनेट पर मिल जाना सब कुछ सारे अपने अपनी थ्योरी दी होनी कि ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो, पर सिंपल समझो प्रैक्टिकल दिखा डीपली जाओ कि क्या चीज़ की चौपला, तो सही साहब है इतनी भी मैं डिवाइड करता मतलब करंट लाच तुम्हें पढ़ा था हूँ थोड़ी देर पहले एक रास्ता जा रहा मैंने ले सप्लाई जा दी मेन सप्लाई जा दी अगें इस चार रस्ते मिली है ए सारे इसरे है ये सारे ने ना थोड़ा थोड़ा ना तू बिला खुश रहना मतलब इक्की जो बड़े इक्की दिते नाराज हो जाने यार क्या कर रहा है यार तू ऐसा वैसा इन्हें सारे ने देना इस करंट थोड़ा थोड़ा मैं कोई नाराज नहीं हो, तो सही है तू ना की चौला वोल्टेज ला भी सही है वोल्टेज मैक्स ला जाली टाइप जाला टाइप पढ़ लेना वोल्टेज ला भी थोड़ा ज्यादा फंडा नहीं वोल्टेज लाच भी एवं तुम्हें दस्या पानी टैंकी सोच रहा नहीं दिमाग च
रस्ते गां एक पाइप तान गई तान गई ते बस करंट ला दे अकॉर्डिंग तिच तिच वोल्टेज होना इच करंट होना और ज्यादा फंडा नहीं है तिच क्लोज सर्किट आ। ए क्या है खुला मैं जंक्शन मैं इसे पॉइंट होने जीरो होना इतनी इतनी होना जीरो होना इतनी करंट जोड़ होना जीरो होना और ज्यादा फंडा नहीं है बस ये अदूंगा करी चौला ने ओ मिला भी तेरा था तो मुझे तीस थोड़ा क्लोज क्लोज सर्किट था ने थोड़ा सिंपल है थोड़ा जटिल टाइप आ क्योंकि इतनी एक रास्ता ज्यादा था थे तो अगे 104 मिली आ दे और तो चौ ही देना बहुत है बिल्कुल सिंपल ही था बिल्कुल ही इन डब्बा बना हाँ बस और ज्यादा फंडा नहीं है। तो दस दिन दोस्तों तो मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना ने सपोर्ट तो पक्के करना ने सब्सक्राइब भी करी वीडियो पहाड़ी च बनाई ता दस दिनों केड़ी लगी तो मेरी वीडियो ने सपोर्ट पक्का करना थैंक यू ने जय हिंद जय हिमाचल।